नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कंप्यूटर कंप्यूटर में में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हैं एक्सपर्ट बनना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे आज के वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि है नेटवर्क टोपोलॉजी सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है किस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या काम होता है किसके क्या एडवांटेज होते हैं क्या डिसएडवांटेज होते हैं इस प्रकार के कई प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो में हम टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन टोपोलॉजी के टाइप्स एक एक टोपोलॉजी की वर्किंग और टोपोलॉजी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं पहले हम टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझेंगे टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है यह समझेंगे किस टोपोलॉजी की क्या वर्किंग होती है वह समझेंगे और वीडियो के अंत में टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको नेटवर्क टोपोलॉजी का कंप्लीट डिटेल प्राप्त हो सके तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी किसी नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है जो बनावट होती है उसको डिफाइन करती है जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो नेटवर्क को बनाते समय कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं कंपोनेंट मतलब वह डिवाइसेस केबल्स जिनके द्वारा नेटवर्क को बनाया गया है तो एक नेटवर्क में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वह सभी कंपोनेंट आपस में कनेक्ट करने के लिए और उनको अरेंज करने के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज किया जाता है मतलब जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में उपयोग होने वाले सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए और सभी कंपोनेंट को व्यवस्थित करने के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा किसी भी नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है जो बनावट है वह डिसाइड किया जाता है तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है टोपोलॉजी किसी नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है जिसमें कि नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है और व्यवस्थित किया जाता है उसे कहते हैं हम टोपोलॉजी टोपोलॉजी का अधिकतर यूज मैक्सिमम यूज लैंड नेटवर्क बनाने में किया जाता है तो टोपोलॉजी क्या होती है टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करना और सभी को व्यवस्थित करना उसे हम बोलते हैं नेटवर्क की टोपोलॉजी टोपोलॉजी किसी नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है मतलब नेटवर्क की बनावट कैसी होगी नेटवर्क में उपयोग होने वाली सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है जब एक नेटवर्क बनाया जाता है तो उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट जैसे कि सर्वर क्लाइंट केबल नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्टिविटी डिवाइस बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं तो सभी कंपोनेंट्स को आपस में किस प्रकार कनेक्ट किया जाएगा और किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा यह हमें बताता है नेटवर्क की टोपोलॉजी तो नेटवर्क टोपोलॉजी का भी हमने इंट्रोडक्शन समझा अब देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है तो नेटवर्क टोपोलॉजी छह प्रकार की होती है पहली होती है बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी आपको हर टोपोलॉजी को उसके नाम से ही समझना है यदि आप टोपोलॉजी का नाम अच्छे से समझते हैं तो आपको टोपोलॉजी का काम भी समझ में आएगा बस टोपोलॉजी सेकंड टोपोलॉजी है हमारी स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी थर्ड टोपोलॉजी है हमारी रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी जिसे टोकन रिंग के नाम से भी जाना जाता है इसमें टोकन रिंग टेक्निक का यूज किया जाता है इसमें टोकन घूमता रहता है इसलिए इसे टोकन रिंग भी कहा जाता है एक मेस टोपोलॉजी है मेस जिसे फुली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है यह कंप्लीट रूप से कनेक्ट नेटवर्क होता है मेस टोपोलॉजी नेक्स्ट हमारी ट्री टोपोलॉजी ट्री और लास्ट टोपोलॉजी होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी तो नेटवर्क टोपोलॉजी छह प्रकार की होती है कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें यह क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से कौन एक बैलिड टोपोलॉजी नहीं है तो टोपोलॉजी तो छह प्रकार की है यह सभी वैलिड हैं लेकिन आपको कुछ ऐसा नाम दे दिया जाता है जिस नाम से कोई टोपोलॉजी है ही नहीं है तो आपको ध्यान रखना है टोपोलॉजी छह प्रकार की होती है पहली होती है बस टोपोलॉजी दूसरी होती है स्टार टोपोलॉजी तीसरी होती है रिंग टोपोलॉजी चौथी है मेष टोपोलॉजी पांचवी है ट्री टोपोलॉजी और लास्ट है हमारी छठवीं हाइब्रिड टोपोलॉजी टोपोलॉजी छह प्रकार की है बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी मेष टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी तो अभी हमने टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझा और टोपोलॉजी के टाइप्स को समझा अब हम एक एक नेटवर्क टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करने वाले हैं समझने वाले हैं कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी किस प्रकार वर्क करती है उसकी बनावट कैसी होती है तो देखते हैं हमारी पहली टोपोलॉजी को जो की है बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी को आपको बस से ही समझना है बस बस में क्या होता है बस में एक ड्राइवर होता है और बहुत सारे पैसेंजर होते हैं उसी प्रकार से बस टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी में एक सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं बस टोपोलॉजी यह बस के आर्किटेक्चर को ही फॉलो करती है बस में एक ड्राइवर होता है और बहुत सारे पैसेंजर होते हैं इसी प्रकार से बस टोपोलॉजी में भी एक कंप्यूटर होता है जिसे कहा जाता है सर्वर और बाकी सभी जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें कहा जाता है क्लाइंट सभी क्लाइंट्स को एक सिंगल केबल के माध्यम से सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है यह सारे कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं जिसे कहा जाता है सर्वर कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से एक सिंगल वायर के माध्यम से मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी कौन सी होती है जिसमें सिंगल केबल के माध्यम से या सिंगल चैनल के माध्यम से मल्टीपल नोट को या मल्टीपल कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है या आपस में कनेक्ट किया जाता है इस टोपोलॉजी में आपको स्पीड स्लो प्राप्त होती है क्यों इसकी स्पीड स्लो क्यों होगी क्योंकि एक ही वायर है और एक ही वायर से सभी क्लाइंट अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं तो बस टोपोलॉजी में स्पीड स्लो होती है लेकिन यह लो कॉस्टली होती है सस्ती होती है क्योंकि सिंगल वायर का यूज होता है यदि ज्यादा वायर यूज करते तो यह कॉस्टली हो जाती तो बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सिंगल केबल के माध्यम से सिंगल वायर के माध्यम से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है आपको बस टोपोलॉजी को बस के आर्किटेक्चर से याद रखना है बस में एक ड्राइवर होता है मल्टीपल पैसेंजर होते हैं इसी प्रकार से बस टोपोलॉजी में एक मेन कंप्यूटर होगा सर्वर और बहुत सारे होंगे हमारे क्लाइंट कंप्यूटर यदि एक क्लाइंट अपना कार्य करना बंद कर देगा तो अदर क्लाइंट पर कोई प्रभाव नहीं होगा लेकिन यदि सर्वर ने कार्य करना बंद कर दिया तो सभी क्लाइंट भी कार्य नहीं कर पाएंगे वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा तो बस टॉपोलॉजी में यदि सर्वर हमारा बंद हो जाता है तो कंप्लीट नेटवर्क ही क्लोज हो जाता है ऑफ हो जाता है लेकिन यदि एक क्लाइंट ऑफ हो जाता है तो अदर क्लाइंट पर या सर्वर पर कोई प्रभाव नहीं होता है यह होती है हमारी पहली टोपोलॉजी जिसका नाम होता है बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी को आपको ध्यान रखना है बस के आर्किटेक्चर से जिसमें एक सिंगल वायर से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर को आपस में सर्वर से कनेक्ट किया जाता है देखते हैं हमारी सेकेंड टोपोलॉजी को सेकेंड टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी को आप स्टार की डिजाइन से समझें स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी मतलब जिसमें एक सेंट्रल हब होता है सेंट्रल हब मतलब सर्वर और सभी क्लाइंट कंप्यूटर प्रत्येक क्लाइंट कंप्यूटर अलग अलग वायर के माध्यम से सर्वर से कनेक्ट होते हैं आप देख सकते हैं यहां पर हर क्लाइंट कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वह एक सेपरेट वायर से किया गया है यह होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी यह टोपोलॉजी हमें फास्ट स्पीड प्रोवाइड करती है क्यों क्योंकि हर क्लाइंट का अपना अलग अलग वायर है अपनी अलग अलग केबल है जबकि स्टार टोपोलॉजी में सभी क्लाइंट का एक सिंगल वायर था तो स्पीड स्लो थी लेकिन यहां पर स्टार टोपोलॉजी में हर क्लाइंट को एक अलग वायर से अलग केबल से कनेक्ट किया गया है इसीलिए स्टार टोपोलॉजी की स्पीड फास्ट होती है लेकिन यहां पर हर क्लाइंट की अलग अलग केबल है तो इस टोपोलॉजी में केबल का अधिक उपयोग किया जाएगा मतलब यह कॉस्टली हो जाती है इसकी स्पीड फास्ट होती है इसमें डेटा ट्रैफिक नहीं होता है डेटा ट्रैफिक मतलब अलग अलग क्लाइंट अपने अपने वायर से डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो ट्रैफिक नहीं होगा लेकिन बस टोपोलॉजी में सिंगल वायर से डेटा ट्रांसफर होता था तो उसमें डेटा का ट्रैफिक ज्यादा होता था तो आपको ध्यान रखना है वर्ष टोपोलॉजी मतलब जिसमें सिंगल वायर से सभी क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होते हैं जबकि स्टार टोपोलॉजी में सभी क्लाइंट अलग अलग केबल के माध्यम से एक सेंट्रल हब या सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट होते हैं जिसे कहा जाता है सर्वर और बाकी सभी कंप्यूटर को कहा जाता है क्लाइंट क्लाइंट सभी प्रकार के रिसोर्स के लिए सर्वर पर डिपेंड होते हैं यह हमारी होती है सेकेंड टोपोलॉजी जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी देखते हैं हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी को थर्ड टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी रिंग इसमें सर्किल बनता है रिंग टोपोलॉजी और इसे टोकन रिंग के नाम से भी जाना जाता है आपसे यह पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कौन सी टोपोलॉजी टोकन का उपयोग करती है टोकन रिंग का उपयोग करती है तो वह होती है रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक सर्किल क्रिएट होता है रिंग क्रिएट होता है इसीलिए कहा जाता है इसे रिंग टोपोलॉजी यहां पर सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं यदि एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो दूसरे डायरेक्शन में डेटा का कम्युनिकेशन किया जा सकता है डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है यहां पर एक टोकन हमेशा घूमता रहता है टोकन मूव होता रहता है रिंग टोपोलॉजी में एक टोकन मूव होता रहता है सभी कंप्यूटर पर जाता है बाई टोकन जिस कंप्यूटर को अपना डेटा ट्रांसफर करना होता है वह कंप्यूटर टोकन को एक्सेप्ट करता है अपना डेटा टोकन में स्टोर कर देता है और टोकन को आगे पास कर देता है टोकन में जो डेटा होता है उस पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है जब वह टोकन रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो रिसीवर अपने डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है तो रिंग टोपोलॉजी में एक टोकन हमेशा मूव होता रहता है और जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है वह टोकन के माध्यम से किया जाता है इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में हो सकता है क्लॉक बाइस भी हो सकता है और एंटी क्लॉक बाइस भी हो सकता है यह होती है हमारी थर्ड टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी देखते हैं हमारी अगली टोपोलॉजी को नेक्स्ट टोपोलॉजी है मेज टोपोलॉजी जो कि सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है मेष टोपोलॉजी कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा फुली कनेक्टेड नेटवर्क होता है या फुल कनेक्टेड नेटवर्क होता है तो आपको वहां पर टिक करना है मेष टोपोलॉजी मेष टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता मतलब आप देख सकते हैं यह कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है यह कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है और यह कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है मतलब नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस होंगी वह अदर सभी डिवाइस से जरूर कनेक्ट होती है यह फुल कनेक्टेड नेटवर्क होता है इसे मेस टोपोलॉजी या मेस नेटवर्क भी कहा जाता है यह सबसे रिलायबल टोपोलॉजी मानी जाती है लेकिन इसमें केबल का ज्यादा यूज किया जाता है सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है मेष टोपोलॉजी रिलायबल होती है इसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है यह होती है मेष टोपोलॉजी जिसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होता है देखते हैं हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी को नेक्स्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी यह बस टोपोलॉजी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो बस टोपोलॉजी थी उसमें सिंगल वायर से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट थे लेकिन जब बस टोपोलॉजी को और इंक्रीज कर दिया जाता है इंप्रूव कर दिया जाता है तो बन जाती है ट्री टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में एक वायर से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक सिंगल वायर से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट है फिर एक कंप्यूटर से भी कई कंप्यूटर और कनेक्ट कर दिए जाते हैं इसे कहा जाता है ट्री टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी को आपको ट्री से समझना है पेड़ से पेड़ में एक तना होता है फिर कुछ डाल निकलती हैं उस डाल में से और भी डाल निकलती हैं ट्री का स्ट्रक्चर फॉलो करता है यार। ट्री टोपोलॉजी जो कि बस टोपोलॉजी का एक्सटेंडेड वर्जन है मतलब बस टोपोलॉजी को तो यदि इंक्रीज कर दिया जाता है तो बन जाती है हमारी ट्री टोपोलॉजी जो कि बस टोपोलॉजी से बड़ी होती है यदि आपको छोटा नेटवर्क बनाना है तो आप बस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप ट्री टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं देखते हैं हमारी अगली टोपोलॉजी को नेक्स्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी जो कि मल्टीपल टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है यह क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जो दो या तीन टोपोलॉजी से मिलकर बनती है तो उसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें मल्टीपल टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया जाता है आप देख सकते हैं यहां पर एक रिंग टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी को कनेक्ट किया गया है मेष टोपोलॉजी से यहां पर और भी टोपोलॉजी हो सकती है बस स्टार मिस तो जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी आपस में मिल जाती हैं, तो एक नई टोपोलॉजी क्रिएट हो जाती है जिसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी मल्टीपल टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी जो कि एक बड़े एरिया में नेटवर्किंग करने के काम में आता है तो हमने छह प्रकार के टोपोलॉजी को उनके डायग्राम से समझा कि कौन सी टोपोलॉजी किस प्रकार की होती है कैसे काम करती है पहले हमने टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझा छह प्रकार की टोपोलॉजी को समझा अब हम देखते हैं टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टोपोलॉजी से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहां पर दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के ग्रुप को क्या कहा जाता है जब मल्टीपल टोपोलॉजी आपस में मिलती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी तो हमने टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझा टोपोलॉजी के टाइप्स को समझा उनकी वर्किंग को समझा लेकिन टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं वही भी आज हम यहां पर समझने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन हमें क्या मिला दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के ग्रुप को क्या कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब मल्टीपल टोपोलॉजी का जब ग्रुप बन जाता है कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी सेकंड क्वेश्चन है बस स्टार मेज टोपोलॉजी का उपयोग मैक्सिमम ब्लैंक नेटवर्क में किया जाता है तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो टोपोलॉजी होती हैं, उनका उपयोग मैक्सिमम टाइम लैन नेटवर्क में किया जाता है जब भी कोई लैन नेटवर्क बनाया जाता है तो वह टोपोलॉजी को फॉलो करता है तो टोपोलॉजी जो होती हैं, वह लैन नेटवर्क को बनाने के काम में आती हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेज टोपोलॉजी में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती है जो मेज टोपोलॉजी थी जिसे फुल कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है उसमें जो सभी डिवाइस होती हैं वह कैसे कनेक्ट होती हैं तो आपने देखा हो मेस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है तो मेस्ट टॉपोलॉजी की सभी डिवाइसेस आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की टोपोलॉजी में टोकन का उपयोग किया जाता है तो अपन ने पढ़ा था टोकन रिंग टोपोलॉजी टोकन रिंग टोपोलॉजी किस प्रकार की टोपो टोपोलॉजी में टोकन का उपयोग किया जाता है रिंग टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी जो होती है वह है टोकन का यूज करती है, है टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस प्रकार की टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जो हमारी स्टार टोपोलॉजी थी उसमें एक सेंट्रल पॉइंट था सेंट्रल हब था और सभी क्लाइंट अलग अलग बायर से सर्वर से या होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट थे तो जो सेंट्रल हब होता है वो किस टोपोलॉजी में होता है स्टार टोपोलॉजी में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी टोपोलॉजी मल्टीपॉइंट होती है मल्टीपॉइंट होती है मतलब आपने देखा हो बस टोपोलॉजी एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट है दूसरा यहां कनेक्ट है तीसरा यहां कनेक्ट है एक ही वायर में मल्टीपल पॉइंट बनाकर कई कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है वह कहलाती है हमारी बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है और लास्ट क्वेश्चन है कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक रिलायबल होती है तो सबसे अधिक रिलायबल होती है मेज टोपोलॉजी क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं हमारा डेटा सिक्योरिटी के साथ रिलायबिलिटी के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो सकता है तो हमने टोपोलॉजी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी यहां पर डिस्कस किया आज की वीडियो में हमने टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझा टोपोलॉजी के टाइप्स को समझा एक एक टोपोलॉजी को उसके डायग्राम के थ्रू वर्किंग से समझा और लास्ट में टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा आप सभी टॉपिक को समझें पढ़ें कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक like जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद